Wow, no. खाद पाई थी थोड़ा खाने का तो थोड़ा बीज दिया था ताकि मैं तो ले जा इसमें लेबर उबर ये सब वो पूंछ वाला पार्क है ना मोटर गया उसकी साइकिल तेज है जैसे सीट नीचे ना ऐसे ढूंढ ये आई 1000 रुपया दी बुआई 1 घंटे की तो 600 की खाद डाली तो अभी ये मशीन वाले मांग रहे आधा पड़ा मांग रहे चौथा तीन मांग रहे तो इसलिए साढ़ दी क्या करें इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं मैं छोटा जिम्मेदार बंदा हूँ कहाँ से इतने पैसे लाऊं इसलिए साढ़ दी डीसी साहब ने लाड किया 800 रुपया टेस्टर का किया तो इनका भाड़ा भी किया कोई सातवां टीम के थ्रेशर है वो चौथा हिस्सा मांग रहे हैं क्वांटल्स में 25 किलो मांग रहे हैं 25 किलो पाड़ा मांग रहे हैं बाकी लेबर वाले मांग रहे हैं 600 रुपया मांग रहे हैं इतना पैसा मेरे पास नहीं है इसलिए फसल अपना जला दी मैं जलास का ही रहने वाला हूँ तो मेरे साथ में ये रह रहे हैं तो मैंने सुना कि इन्होंने फसल जला दी तो मैंने इनसे बात की भाई ये क्यों आपने ऐसा किया उन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि भाई 1000 रुपया घंटे का हमने ये बुआई दे दी ट्रैक्टर वालों को मजदूर जो है वो मजदूरी भी लगाई खाद भी डाली इसमें 1500-1600 रुपये की खाद डाली है तो एक तोड़ा बीज का भी डाला है इसमें 900 रुपये के बीज भी डाला है अभी 600 रुपया पर डे 500 रुपया पर डे लेबर चार्जिंग कर रहे हैं वो कटिंग के लिए उसके बाद जो हम दाएं बाएं जैसे हमने पहले भी देखा आपने देखा कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं थ्रेशिंग करने का वो 25 kg पर क्वांटल के हिसाब से चार्जिंग करते हैं तो इन्होंने पूछा इनसे तो कहने लगे कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये सारी फसल काट के ट्रैक्टर वालों को देकर मुझे बचता है कुछ भी नहीं है बचेगा कुछ भी नहीं इससे बेहतर है कि जो 2000 रुपया मेरी कटिंग लगेगी वो बच गई मुझे तो फसल मैंने जला दी तो यहाँ पर बहुत जिम्मेदार सभी ये नहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हर जिम्मेदार परेशान है सारे जिम्मेदार को ये परेशानी आ रही है डीसी साहब के पास गए थे डीसी साहब बहुत नाइस आदमी है लोग इमीडिएटली मीटिंग बुला के जो रेट फिक्स की है उस पर भी कोई ट्रैक्टर वाले अमल नहीं कर रहे हैं तो इसलिए जिम्मेदार बहुत परेशान है तो इनके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है हर जिम्मेदार ये सोचने पर मजबूर है या तो फसल नहीं बीजेगा तो जो जो अभी बची हुई है उसको जलाकर तो अपनी ज़मीन खाली करके नेक्स्ट फसल के लिए तैयार करना चाहते हैं।